जब से हम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को जानते हैं, साइमा नूर और सैयद नूर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर जोड़ी हैं। सैयद नूर अपने दौर के कामयाब तरीन हदायतकार हैं और उन्होंने लातादाद हिट फिल्में बनाई, जबकि उनकी अहलिया और सुपरस्टार साइमा नूर सबसे कामयाब अदाकारा थी। इस जोड़ी ने हमें अपने वक्त में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं और ये अब भी एक साथ काम कर रहे हैं। सैयद नूर ने चूड़िया फिल्म के फौरन बाद साइमा से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने इसका ऐलान बाद में 2007 में किया। सैयद नूर की पहली शादी रुखसाना नूर से हुई। वो एक शायरा थी और अपने शोहर की फिल्मों के लिए बहुत से गाने लिखे। सैयद नूर ने रुखसाना के रद्दअमल पर भी बात की। उसने अपने शोहर की दूसरी शादी के खिलाफ एहतजाज किया और उनके बच्चे भी इनके रिश्ते की शदीद मुखालफत में थे, लेकिन मामलात आहिस्ता आहिस्ता तय होते रहे और रुखसाना वो पहली फर्द थी जिसने साइमा को खानदान में कबूल किया। सैयद नूर ने सबसे पहले रुखसाना को साइमा से अपनी मोहब्बत के बारे में बताया। साइमा के घर वाले भी सैयद नूर से उसकी शादी के हक में नहीं थे। सैयद नूर ने ये भी इंकशाफ किया कि उनके बच्चों और साइमा नूर के ताल्लुकात में भी काफ़ी बेहतरी आई है। जब उन्होंने अपनी मां के इंतकाल के बाद साइमा के रद्दअमल और खानदान में शमूलियत को देखा तो उन्होंने उसे कबूल करना शुरू कर दिया और अब सैयद नूर और रुखसाना नूर का बेटा शहजिल साइमा के बहुत करीब है और बहुत से लोग उसे उनका अपना बेटा समझते हैं। बहुत से लोग सैयद नूर और साइमा की एक मोहब्बत की कहानी सुनकर नाखुश हुए और बहुत से लोगों ने सैयद नूर को अपनी पहली बीवी रुखसाना से बेवफाई करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया।